teachers, our next topic is Four Noble Truths. The religion of Indus Valley civilization had significant element transferred to Buddhism. There are Four Noble Truths of Buddhism, Eightfold Path, in a way living a correct and greatless life, which each follower of Buddhism believes that. तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, यानी फोर नोबल ट्रूथ्स, यानी जो चार अजीम, जो सच्चाई थी, वादी सिंध की तहजीब के मज़हब में जो बुद्धिज़्म थे उनकी तब्दीली के अहम अनासर मौजूद हैं। बुद्ध मज़हब के चार उम्दा सच्चाइयां हैं, यानी आठ गुनारा, यानी एट फोल्ड, जिन्हें एक नाम दिया गया है, एक सही रास्ता बसर करने का एक तरीका है जिसे एट फोल्ड का नाम दिया गया है। और बुद्धिज़्म के पीरो जो वहाँ के जो मानने वाले थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, उनका ये मानना था, यानी वो इस पर बिलीव रखते थे। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड सॉरोस, यानी इंसानी ज़िंदगी तकलीफ़ों और गमों से भरी हुई। सेकेंड इज़ सफरिंग एंड सॉरोस आर कॉज्ड बाय पीपल ग्रीडी डिज़ायर्स फॉर पावर, प्लेजर एंड पोजिशंस, यानी लोगों की जो इक्तदार की खुशनूदी और कब्ज़ा की लालची ख्वाहिश की वजह से मसाइब, यानी जो आपके गम होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। यानी जो भी उनकी डिज़ायर्स होती हैं कि हमें ये पा लेना, या हमारे पास पावर हो, या हम किसी के ऊपर मलकियत रखें, पोजीशन का मतलब है मलकियत रखना किसी पर, तो उनकी वजह से उनके जो गम वगैरह हैं या जो भी उन्हें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इन वजह से कि उनकी जो बेशुमार अनख्वाहिशात होती हैं और कुछ भी जो उन्हें चाहिए होता है। तो बच्चों, जैसे हमारा फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया था कि पीपल कैन ओवरकम देयर ग्रीड एंड कंट्रोल डिज़ायर बाय अडॉप्टिंग द एट फोल्ड पाथ, यानी जो लोग हैं अपनी जो भी इनकी ख्वाहिशात होती हैं, यानी जो भी उनका लालचपन होता है, उससे कंट्रोल अनकंट्रोल्ड जो डिज़ायर्स होती हैं वो जब कंट्रोल कर सकते हैं, जब वो एट फोल्ड पाथ, यानी जो इनका एक मखसूस नाम दिया है, जिनको आठ गुना बोला गया था, उसको अडॉप्ट कर सकें। इंपॉर्टेंट पार्ट आर राइट व्यूज, राइट कंडक्ट एंड राइट मेडिटेशन, यानी हमारे सही ख्यालात का सबसे अहम हिस्सा सही तर्ज अमल और सही मुराकबा। बुद्धा डिड नॉट अलाउ हिज फॉलोवर्स टू वर्शिप, यानी बुद्धा अलाउ नहीं करते थे उनके मानने वालों को, उनके फॉलोवर्स को, कि वो उनकी इबादत करें। ही डिड नॉट इवन परमिट देम टू मेक हिज इमेजेस, वो ये भी नहीं इजाज़त देते थे कि वो उनकी तस्वीर बनाए, उनकी पूजा वगैरह करें, या उनका जो भी है बुद्ध वगैरह बनाए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बुद्धा वॉज अ सेल्फ एनलाइटेंड ह्यूमन बींग हु डिड नॉट प्रीच टू बी आइडियलाइज्ड, यानी बच्चों, जो बुद्धा थे वो ख़ुद भी एक रोशन ख्याल इंसान थे, तो वो भी किसी की, यानी पूजा करना, यानी मूर्तों की पूजा करना या अपनी पूजा करवाना वो नहीं मानते थे। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट सिस्टम, इसी तरह जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कोई भी कास्ट सिस्टम मौजूद नहीं था, यानी ज़ात पात का कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था, जो कि आर्यन के कास्ट सिस्टम में था, कि उनकी जो भी कास्ट थी, जो भी उनका मज़हब था, क्षत्रिया विष्णु, जो भी उनकी जो ज़ात थी, उनमें ये सिस्टम नहीं था बुद्धिज़्म में, तो वो ये नहीं मानते थे।